पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। मानपुर सीतापुर थाना इलाके में बीते सोमवार देर शाम एक युवक ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारपाई पर शव को उतरवाकर पीएम के लिए भेज दिया। घटना के बावत पिता ने थाने पर अपने हत्यारे बेटे के विरुद्ध नामजद तहरीर दे दी है। प्रकरण जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कैलाश वर्मा व उसकी पत्नी मीरा देवी 35 के बीच 28 जून सोमवार देर शाम करीब 6 बजे आपस में कहासुनी हो रही थी। इसी बीच आक्रोशित हो कैलाश ने रस्सी से मीरा का गला घोंटकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची मानपुर पुलिस ने मृतका के शव को चारपाई से उतरवाकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। घटना को लेकर कैलाश के पिता राजकुमार वर्मा ने थाने पर उसके विरुद्ध नामजद तहरीर दे दी, जिसके मुताबिक करीब 10 वर्ष पहले मीरा की दूसरी शादी कैलाश के साथ गोरखपुर से हुई थी। कैलाश ने अपने हिस्से की 3 बीघा जमीन अपनी पत्नी मीरा के नाम बेनामा कर दी थी। कुछ समय बीतने पर मीरा अपने पहले पति के साथ पुनः जाकर रहने लगी थी। करीब 2 साल पूर्व मीरा अपने पति कैलाश के पास फिर से बिरहिमापुर लौट आई थी। मीरा को दी गई उक्त 3 बीघे जमीन कैलाश उससे पुनः वापस बैनामा करने को लेकर दबाव बना रहा था, जिस बात को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। थाना प्रभारी मानपुर विंचपाल सिंह ने बताया कि कैलाश के पिता राजकुमार वर्मा ने उसके विरुद्ध तहरीर दी है। घटना के बावत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। अंकित सिंह तोमर की रिपोर्ट।